पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वह विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है, लेकिन आज दुनिया से वो आसानी से मदद भी नहीं मिल पा रही है। बदहाली के इस दौर में वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें। आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है, हमारी दिन दोगुना रात चार गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथियों, आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि वो भी उतने ही दुखी हैं, उतने ही गुस्से में हैं। पूरी विश्व बिरादरी आतंक के इन सरपरस्तों को खत्म करने के पक्ष में है।